आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, अब सड़कों पर ये गलतियां पड़ेगी भारी भरना होगा 10,000 रुपए का जुर्माना। इस राज्य में सरकार ने लागू किया है नया ट्रैफिक नियम, क्या ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा बिजली उपभोक्ताओं को लगा है महंगाई का करंट, इस राज्य में अब महंगी हुई है बिजली, अब देना होगा ज्यादा बिल, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा आम आदमी के लिए महंगा हुआ है इलाज, खांसी बुखार बीपी डायबिटीज सहित 800 जरूरी दवाओं के बढ़ गए हैं दाम, आखिर कितने बड़े हैं दाम बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा खाने के तेल के दाम को कम करने को लेकर सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा व्हाट्सएप चलने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, व्हाट्सएप ने भारत में बैन किया है 14 लाख से भी ज्यादा अकाउंट्स, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा सरकार ने कोरोना के मामले कम होने के बाद प्रतिबंधों में दी है बड़ी ढील, अब मास्क नहीं पहनने वालों पर नहीं लगेगा जुर्माना, क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट से कुछ टेक्नोलॉजी से जो कुछ बड़ी खबरें हैं बताएंगे आपको एक एक करके अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़े और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तब महंगा हुआ है इलाज, खांसी बुखार बीपी डायबिटीज सहित 800 जरूरी दवाओं के बढ़ गए हैं दाम। नए वित्त वर्ष 2022-23 की शुरुआत के साथ ही आम लोगों को महंगाई का बूस्टर डोज यहाँ पर लगना शुरू हो गया है। वही अप्रैल की पहली तारीख से खाने पीने की वस्तुओं सीएनजी समेत कई तरह की वस्तुओं के दाम बढ़ने के साथ साथ 800 जरूरी दवाओं के दाम भी यहाँ पर बढ़ गए हैं। वही इन दवाओं में खांसी बुखार ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के इलाज में काम आने वाली दवाओं सहित दर्द निवारक दवाई भी यहाँ पर शामिल है, यानी अब मरीजों को छोटी छोटी बीमारियों का इलाज कराने के लिए भी अब जेब यहाँ पर ज्यादा डील करनी पड़ेगी। वही नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA ने यहाँ पर 1 अप्रैल से 800 से ज्यादा जरूरी यहाँ पर दवाओं के दामों में 11% की भारी वृद्धि करने की घोषणा पिछले सोमवार को यहाँ पर की थी। वह नेशनल एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन की संशोधित नीति वर्ष 2013 में यहाँ पर लागू हुई थी, जिसके बाद जरूरी दवाओं के दाम में यह अब तक का सबसे बड़ी यहाँ पर वृद्धि है जो 10.76% की है। वही जरूरी दवाओं के थोक दाम भी यहाँ पर बढ़ गए हैं, जल्द इन दवाओं का खुदरा दाम भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो हरियाणा सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों में दी है ढील, अब मास्क नहीं पहनने वालों पर नहीं लगेगा जुर्माना। हरियाणा में कोरोना प्रतिबंधों में सरकार की ओर से यहाँ पर बड़ी ढील यहाँ पर दी गई। दरअसल राज्य में कोरोना की रफ्तार थमने के बाद सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर अब तक मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। अब आम लोग सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के भी जा सकेंगे। बता दें आपको कि हरियाणा ही नहीं देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना की रफ्तार रुकने के बाद यहाँ पर कई राज्य सरकारों ने प्रतिबंधों में ढील देने का ऐलान किया है, जिसमें यहाँ पर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सरकार, दिल्ली सरकार और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये ऐलान यहाँ पर किए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप चलने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, कंपनी ने 14 लाख से भी ज्यादा अकाउंट्स पर लगाया है बैन। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक बड़ा झटका है, दरअसल अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। दरअसल व्हाट्सएप ने फरवरी 2022 की शिकायतों के आधार पर करीब 14,26,000 से अधिक भारतीय यूजर्स के अकाउंट बैन किए हैं। वही कंपनी ने रिपोर्ट जारी कर इस बारे में यहाँ पर बताया है। वही कंपनी के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अपने शिकायत विभाग तथा अपने तंत्र के जरिए उपयोगकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई यहाँ पर की गई है। वही व्हाट्सएप को एक से लगाकर 28 फरवरी के बीच कुल यहाँ पर 335 भारतीय खातों के खिलाफ शिकायतें मिली थी, जिसमें यहाँ पर 194 खातों को बंद करने की अपील की गई थी, इसमें 21 के खिलाफ कार्रवाई की गई। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी के दौरान यहाँ पर व्हाट्सएप द्वारा 14,26,000 से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा जनवरी महीने में कंपनी ने 18 लाख से अधिक भारतीय अकाउंट को बैन किया था। वही जनवरी महीने में 495 यहाँ पर भारतीय अकाउंट्स के खिलाफ शिकायतें यहाँ पर मिली थी। वही कंपनी का है कि सालों से हमने अपने प्लेटफॉर्म पर अपने यूजर्स को सुरक्षित रखने के लिए ऑफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य आधुनिक तकनीकी डेल्टा यहाँ पर डेटा और साइट और यहाँ पर एक्सपर्ट और यहाँ पर प्रक्रियाओं में लगातार निवेश यहाँ पर किया है। व्हाट्सएप की ओर से ये अपडेट दिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो महंगाई को लेकर बड़ी खबर देखिए, अब रसोई गैस भी हुई है महंगी, पीएनजी की बड़ी कीमतें आम आदमी की जेब पर डालेगी असर। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच डोमेस्टिक गैस की कीमतों में भारी उछाल हुआ है, इस फैसले का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। इससे रसोई
का बजट यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। दरअसल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने बताया है कि पाइप से रसोई तक पहुंचने वाली पीएनजी की कीमतें 5.85 प्रति यहाँ पर SCM बढ़ाई गई है। ये बड़ी जो कीमतें हैं वो यहाँ पर 1 अप्रैल से लागू हो गई है। इसे तेजी से यहाँ पर इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली NCR में यहाँ पर पीएनजी कीमत जो है वो यहाँ पर 41.71 SCM यहाँ पर हो गई है। बता दें आपको कि IGL की ओर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को यहाँ पर CNG कीमतों में भी 80 पैसा प्रति किलोग्राम की यहाँ पर वृद्धि हुई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर देखिए। DA के बाद अब बढ़ सकता है HRA, सीधे 20,884 रुपए का होगा फायदा। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल में ही बड़ी खुशखबरी दी है। वही कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है उसे बढ़ाकर 34% कर दिया गया है, लेकिन अब खबर आ रही है कि महंगाई भत्ते के साथ दूसरे अलाउंस भी यहां पर बढ़ सकते हैं। इन अलाउंस में सबसे जरूरी अलाउंस यहां पर हाउस रेट अलाउंस है, जो जल्दी यहां पर बढ़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों के हाउस रेट अलाउंस में भी इजाफा यहाँ पर हो सकता है। इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा देखने को मिलेगा। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक HRA में अगला रिवीजन 3% का होगा। वही HRA की अधिकतम मौजूदा दर 27% से बढ़ाकर 30% यहाँ पर हो सकती है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो डीमैट खाते रखने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। डीमैट खातों के लिए KYC की समय सीमा बढ़ी। सेबी ने ग्राहकों को दी है 3 महीने की और मोहलत। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रखने वाले लोगों को बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। दरअसल सेबी ने डीमैट और इसके अलावा ट्रेडिंग खातों के लिए नो योर कस्टमर यानी KYC को पूरा करने की जो समय सीमा है उसको 3 महीने बढ़ा दिया है। वह मौजूदा डीमैट और ट्रेडिंग खातों के KYC कराने की सीमा जो है वो 30 जून 2022 तक बढ़ा दी गई। अगर आपने अपना डीमैट या फिर ट्रेडिंग खाते का KYC यहाँ पर नहीं कराया है तो अब आपके पास 30 जून तक का समय है। इसे पहले इसकी जो डेडलाइन थी वो 31 मार्च 2022 थी। वही 1 जून 2021 के बाद जो भी यहाँ पर डीमैट या फिर ट्रेडिंग खाते खुले हैं या फिर यहाँ पर खोल रहे हैं वो 6 तरह की जानकारी उनको यहाँ पर देनी होगी। इन जानकारियों नाम पता पैन कार्ड और वैध मोबाइल नंबर कमाई और सही ईमेल आईडी के बारे में यहाँ पर बताना जरूरी है। साथ ही ग्राहकों का आधार नंबर उनके पैन कार्ड से लिंक भी होना चाहिए। ये यहाँ पर अपडेट दिया गया है। भाई NSDL ने 25 मार्च 2022 को जारी सर्कुलर में कहा था कि बिना KYC वाले डीमैट खातों को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन यहाँ पर MIS और सेबी के साथ चर्चा के आधार पर इस समय सीमा को 30 जून 2022 तक के लिए वन टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा आदेश, अब 30 क्विंटल से अधिक तेल नहीं रख सकेंगे खुदरा दुकानदार। खाद्य तेल और तेलहन के दामों को नियंत्रण करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खाद्य तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट यहाँ पर लगा दी है, इसके ऊपर लागू कर दी है। इसके मुताबिक अब खाद्य तेल के खुदरा जो दुकानदार है वो 30 क्विंटल से अधिक मात्रा में यहाँ पर तेल का स्टॉक नहीं रख सकते हैं। वही थोक कारोबारी पर स्टॉक लिमिट 500 है। वही बड़े रिटेलर के लिए ये 1000 क्विंटल से अधिक यहाँ पर तेल का स्टॉक यहाँ पर नहीं रख सकेंगे। वही तेल व तिलहन की जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से ये स्टॉक लिमिट का आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया। आदेश ये जो आदेश है वो 1 अप्रैल से लागू हो गया है, जो कि 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस बाबत में गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लखनऊ वनस्पति खाद्य व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि स्टॉक सीमा के जरिए सरकार तेल के दाम को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आयातित तेल जब सस्ता होगा तब ये तेल यहाँ पर ये तेल है तभी तेल का यहाँ पर दाम घटेगा, ये उन्होंने यहाँ पर कहा है। वह सरकार ने तिलहन पर भी यहाँ पर स्टॉक लिमिट यहाँ पर लागू की है। इसके तहत तिलहन का खुदरा जो कारोबारी है वो 100 क्विंटल और थोक कारोबारी यहाँ पर 2000 क्विंटल से अधिक खाद्य तिलहन का स्टॉक यहाँ पर जमा नहीं कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो सड़कों पर अब ये गलती पड़ेगी, भारी भरना होगा 10,000 रुपए का जुर्माना। सरकार ने लागू किया है नया ट्रैफिक नियम। देश के राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना भारी पड़ सकता है। दरअसल दिल्ली सरकार ने नया जो ट्रैफिक नियम है वो लागू कर दिया, यानी जो पुराने ट्रैफिक नियम उनमें यहाँ पर बदलाव किए हैं। इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। वह नए आदेशों के मुताबिक दिल्ली में अब 15 मुख्य सड़कों पर प्राइवेट DTC और क्लस्टर बसों के साथ भारी वाहन सिर्फ बस लेन में ही यहाँ पर चल सकेंगे। वही उल्लंघन करने पर बस ड्राइवर को यहाँ पर 10,000 रुपये का जुर्माना या फिर 6 महीने के कैद का प्रावधान भी इसमें यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा अगर आप अपना 2-व्हीलर या फिर 4-व्हीलर लेकर बस लेन में घुसते हैं तो आपका भी यहाँ पर पहले 5,000 रुपये का यहाँ पर जुर्माना है वो यहाँ पर पहले आपको देना होगा, उसके बाद 10,000। दूसरी बार अगर आप ये गलती लगातार करते हैं तो आपको यहाँ पर और भी यहाँ पर इससे ज़्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को लगा है महंगाई का करंट, राज्य में बिजली हुई है महंगी, अब देना होगा ज्यादा बिल। मध्य प्रदेश में बिजली के रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, अब आम लोगों को पहले से ज्यादा यहाँ पर बिजली का बिल का भुगतान करना होगा। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने शुक्रवार को इस वित्त वर्ष के लिए सालाना बिजली दरों में यहाँ पर 2.64% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। वही पीटीआई की खबर के मुताबिक पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस और खाद्य तेल और दूसरी चीजों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से यहाँ पर लोगों को यहाँ पर एक और बड़ा झटका यहाँ पर ये लगा है। वही खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने यहाँ पर बताया है कि राज्य में तीनों बिजली वितरण कंपनियों को आयोग की तरफ से मंजूर बिजली दरों की बढ़ोतरी के संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी करना होगा, जिसके 7 दिन बाद नई जो दरें हैं वो लागू की जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की। तब कोविड के एक और नए वेरिएंट एक्सई ने दी है दस्तक। डब्ल्यूएचओ ने बताया ओमिक्रॉन से 10% ज्यादा है संक्रमक। कोरोना महामारी की रफ्तार धीमी पड़ रही है, इस बीच कोविड के एक और नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस नए कोरोना वेरिएंट को यहाँ पर एक्सई नाम यहाँ पर दिया, जो ओमिक्रॉन के दो यहाँ पर सब वेरिएंट B1 और बी यहाँ पर BA2 हाइब्रिड का वर्जन है। ये नया वेरिएंट ब्रिटेन में मिला है। शुरुआती अध्ययन से मिले संकेत के मुताबिक कोरोना का जो एक्सई वेरिएंट है उसकी संक्रमण की जो रफ्तार है वो BA2 वेरिएंट की तुलना में 10% ज्यादा है। वही WHO के अनुसार अब तक कोविड के 3 यहाँ पर हाइब्रिड और रिकमेंडेड स्टोन का पता चला है, जिसमें पहला XT, दूसरा XF और तीसरा XE है। इनमें से पहले यहाँ पर दूसरे वेरिएंट डेल्टा, ओमिक्रॉन और यहाँ पर कॉम्बिनेशन से यहाँ पर ये पनपे है। वही तीसरा यहाँ पर XE ओमिक्रॉन सब वेरिएंट हाइब्रिड स्टोन है, जो XE वेरिएंट के यहाँ पर बारे में पहली बार यहाँ पर ब्रिटेन में 2007 को पता चला था। अब इसके लिए यहाँ पर इसके यहाँ पर 600 सिक्वेंसेस रिपोर्ट आई है, इससे भी ये पूछते यहाँ पर हैं।